ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं सरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज हमारे साथ वही शख्स हैं जो गुंजन सेठ, जो पिछले एक महीनों से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि किसको टिकट मिलेगी MIM से। लगभग 9 उम्मीदवारों ने टिकट की मांग की थी, लेकिन अब जाकर जो है ये डिसीजन हुआ है, गुंजन सेठ को टिकट मिला है। कलवा मुमरा विधानसभा में पिछले 10 सालों से जितेंद्र आवाड जो है यहाँ पर राज कर रहे थे, आमदार थे, लेकिन अब वो फिर चुनाव में हैं। ऐसे में MIM भी अब जो है सामने है, और जो BJP और शिवसेना में युति है, अब उसमें से कौन सा उम्मीदवार आता है वो भी अभी साफ नहीं हुआ, लेकिन वो भी आ सकता है, एक ही दो दिन में फाइनल होगा। लेकिन यहाँ पर अब जो है त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगा, और हम बात करते हैं गुंजन सेठ साहब से, क्योंकि वो जो है जिस तरह से MIM के लोग अटकलें लगाए हुए थे, कयास लगाए हुए थे कि किसको टिकट मिलेगी, तो ये कहीं ना कहीं आज साफ हो गया है। इस वक्त हमारे साथ हैं जो गुंजन सेठ साहब, हम उनसे बात करते हैं। गुंजन सेठ साहब जो है कई लोगों के अटकलें लगी हुई है, लगभग 9 उम्मीदवारों ने मांग की थी टिकट की, लेकिन उन्हें नहीं मिला, आपको मिला है। लेकिन अभी भी लोगों में ये चर्चा है कि आपको जो है टिकट नहीं मिला है, लोग इस तरह से कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बॉल स्टार असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और मजलिस के जितने कार्यकर्ता हैं सबकी उनके शुक्रिया मैं अदा करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग बोलते हैं वो कोई कुछ नहीं है, सब आएंगे मेरे पास में, सबसे मैं जा रहा हूं मिलने, और सबको जो उनसे मेरे से तकलीफ़ है उनको बोलता, भाई क्या तकलीफ़ है, आओ मेरे पास में, हमसे कुछ गलती है हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो आपको टिकट मिल गई है? ये हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद ट्वीट करके दे दिया, हमारे पास फोन में आ गया। 2-3 दिन पहले से देखा जा रहा है, कभी जो है शाह आलम का नाम आ रहा है सामने, कभी आपका नाम आ रहा है, कभी और लोगों का नाम आ रहा है। इस मैदान में जो है कई लोगों ने जो है फॉर्म भरा था, ऐसे में आपका नाम आना, मतलब क्या आप ही ने मतलब काम किया है आपके एरिया में? किस तरह से देख कर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने आपको टिकट दिया? अब पार्टी में सब थे, सब उचित उम्मीदवार थे, सबको आस थी, अपने अपने आस पे सब जी रहे थे कि हमको मिलेगा, हमको किससे कोई वो शिकायत नहीं है। आपने ऐसा क्या किया कि जो आप ही को टिकट दिया है? पार्टी ने भरोसा किया मेरे ऊपर, विकास किया हूँ, काम किया हूँ, पार्टी के छवि को मैं बाकरार रखा हूँ, मैं कहीं अपनी छवि नहीं खराब किया हूँ, पार्टी की छवि नहीं खराब किया हूँ, वो हिसाब से पार्टी देखते हुए हमको पार्टी टिकट दिया। आप किस तरह से तैयार हैं इस चुनाव में लड़ने के लिए, आप किस तरह से तैयार हैं? आपको MIM से टिकट मिल गई है, लेकिन आप किस तरह से जो है फाइट करेंगे मुमरा में, किस तरह से अपनी जीत दर्ज कराएंगे? पहला तो हम खुद सक्षम हैं लड़ने के लिए, दूसरा हमारे जो उत्तर भारतीय हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे व्यापारी मंडल है, हमारे भाई बहन लोग हैं, सब मेरे से खुश है, सब बोले टिकट लाओ मैं वोट देते तुमको। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में आप जो है चुनाव लड़ेंगे और आप जीतेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे, कॉर्पोरेशन में जीते थे, इसमें भी जीतेंगे इंशाल्लाह। तो लोग आपसे नाराज है, उनको कैसे मनाएंगे आप? जाएंगे मनाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनसे बोलेंगे बाबा कुछ गलती है तो माफ करो, मेरे साथ में आ जाओ, पार्टी के लोग है उनको तो लेना है हमको साथ में उनको। मुमरा और कलवा, ये विधानसभा के लोगों को क्या कहेंगे आप? कलवा मुमरा विधानसभा काहे खाली विकास चाहती है, हम विकास करेंगे, उनका काम करेंगे, उनका जो है हर दुख सुख में हम खड़े रहेंगे, हमारी ये अपेक्षा है, हमारी ये दिल तमन्ना है। ठीक है, मान लिया मैं कि आप जो है विकास करेंगे, लेकिन आपका अहम मुद्दा सबसे पहला क्या होगा, किस पर आप सबसे पहला फोकस करेंगे? उस दिन भी आपको बोला था खाली विकास का मुद्दा, मेरा जो है पहला मुद्दा हॉस्पिटल, कॉलेज, रोड, नाला, जो हमारी समस्या है पहला हम उस समस्या पे हल करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं जो है प्रचार करने का, और 21 तारीख को जो है मतदान होगा, तो आपके पास कम समय बचा है, तो आप किस तरह से जो है प्रचार करेंगे, लोगों तक जाएंगे, क्या आपकी उम्मीदें रहेंगी? कुछ दिन ही बचा है, लेकिन प्रचार का मुद्दा मेरा ऐसा रहेगा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे व्यापारी सब मेरे साथ में हैं और मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम तुम्हारे साथ में इंशाल्लाह प्रचार करेंगे, हमें कोई ज़्यादा जहमत लेने की जरूरत नहीं। मतलब आपको काफ़ी बड़ा समर्थन मिल रहा है? बड़ा समर्थन मिल रहा है, हमारे उत्तर भारतीयों का, हमारे सब भाइयों का, हमारे सब व्यापारी मंडलों का, सबका समर्थन हमको मिल रहा है। तो ये थे गुंजन सेठ साहब, इन्होंने साफ कह दिया है कि हमको टिकट मिल चुका है। हालांकि हम आपको पहले बताए कि 9 लोगों ने जो है फॉर्म भरा था, जिसमें नईम नज़ीर खान साहब भी थे। कलवा मुमरा विधानसभा में जो है
MIM से टिकट जो मांग रहे थे उसमें से कई ऐसे लोग थे, दिग्गज थे, जिनमें से एक नईम नज़ीर खान भी थे और जो है महेंद्र कुमलेकर थे, शाह आलम आजमी थे, लेकिन किसी को टिकट नहीं मिलते हुए अभी ये साफ हो गया है, गुंजन सेठ को टिकट मिला है, लेकिन ये आने वाले चुनाव में जो है काफ़ी चैलेंजिंग होगा। जिस तरह से ये चुनाव जो है यहाँ पर मुमरा कलवा में जो होने वाला है इसमें काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जो है त्रिकोणी लड़ाई हो सकती है यहाँ पर जो है। लेकिन गुंजन सेठ ने कहा कि हमें जो है हमारे काम को देखकर टिकट दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है, और हम उनके किए हुए वादे पर खरे उतरेंगे। तो इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।